You should reach your destination by 11:44 a.m. Turn left onto Hillsborough Street. हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन्स, ये दोनों चीज़ों से हम अपना ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हैं, राइट? घर का सामान खरीदना हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो, या फिर घर की लाइट्स ही क्यों ना बंद करनी हो. एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ लोगों को एक रियल एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन की जा रही है, जैसे AR, VR, होम ऑटोमेशन और 4D थिएटर्स. वो दिन दूर नहीं जब हमें कोई ज़रूरी काम से घर से बाहर तो क्या सोफे से उठना तक नहीं पड़ेगा. ये सुनने में बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग फील होता है, लेकिन साइंस और रिसर्च कुछ और कहता है. कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि आदमी स्टोन एज में अप्रॉक्सीमेटली 21,000 स्टेप्स डेली वॉक करता था, जिसके कंपैरिजन में आज हम सिर्फ 5,000 स्टेप्स वॉक करते हैं. अर्बन लाइफस्टाइल में हमारी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल फ्री रेंजिंग मैमल्स की तुलना में आधे से भी कम है. रिसर्च से ये भी प्रूव होता है कि बाहर ना जाने से या फिजिकल एक्टिविटी कम होने से हमारे बॉडी और माइंड दोनों पे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो आगे चल के बहुत सीरियस बीमारियों में डेवलप हो सकते हैं. बाहर ना जाने का दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम कम लोगों से मिलते जुलते हैं. सिर्फ सोशल मीडिया पे दोस्त होना काफ़ी नहीं है, साइकोलॉजी भी कहता है कि दोस्तों से मिलना एक डेफिनेट स्ट्रेस बस्टर है. एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक मेडिसिन की सेल्स पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ी है. सोशल और फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना या ना के बराबर होना इसका एक मेजर रीज़न है. हमारी सिटी प्लानिंग में पार्क्स और रिक्रिएशनल एरिया धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं. यही नहीं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के लंबी अमेनिटीज़ लिस्ट में भी आउटडोर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. ओलंपियो रिवरसाइड का मास्टर प्लान कुछ ऐसा है जिसमें 80% ओपन स्पेस है. ये यहाँ के रेजिडेंट्स को खुले में ज़्यादा समय बिताने के लिए इनकरेज करता है, जिसके काफ़ी फायदे हैं, बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और इंक्रीज्ड इम्यूनिटी. इस कारण यहाँ के रेजिडेंट्स अपने कामों में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं. साइंस बताता है कि जो बच्चे अच्छे फ्रेश खुले एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं, उनका डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स और लर्निंग एबिलिटीज बाकी बच्चों से बेहतर होता है. इन बच्चों का मानसिक विकास 16% ज़्यादा होता है और ये एग्जाम में भी 6% बेटर परफॉर्म करते हैं. ओलंपियो रिवरसाइड के सारे अमेनिटीज इसी बात को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि 12,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स फैसिलिटीज़, 5 acre डेडिकेटेड आउटडोर स्पोर्ट्स अरीना, सेंट्रलाइज प्ले एरिया और बहुत सारी दूसरी सुविधाएं. ये सारे अमेनिटीज़ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी लो मेंटेनेंस कॉस्ट पर अवेलेबल है. With Olympeo Riverside, the dream of best physical and mental health is now a reality.